हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं सुरुचि सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ये बेसिकली आपको बायोलॉजी सेक्शन के हैं और ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आर आर बी एन टी पी सी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वॉट इज़ द पी एच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस का हमारा पी एच क्या होता है तो अगर हम लोग बात करेंगे पी एच वैल्यू पैनक्रैटिक जूस का तो ये हमारा हो जाएगा सेवन पॉइंट वन टू एट पॉइंट टू जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो ये वाला पी एच वैल्यू है इसके में हमारा ये सब्सटेंस कैसा होगा डैट इज़ अल्कलाइन तो अगर अल्कलाइन की हम लोग बात करें तो सेवन के ऊपर जितने भी हमारे पी वाले सब्सटेंस हैं उसका नेचर एल्कलाइन सेवन हमारा न्यूट्रल होता है और उससे कम हमारा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर वन ये था देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है और क्वेश्चन नंबर टू है हमारा विच वन ऑफ देम इज़ द ट्रूएस स्टमक इन व्यूमेन तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रू स्टमक र्यूमिनंस में कौन सा पार्ट कहलाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं र्यूमेन रेटिकुलम ओमैसम या एबोमैसम तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डैट इज ओबोमैसम अगर ट्रू स्टमक इन रुमिनेंस का क्वेश्चन आता है तो हमारा सही आंसर होगा एबोमैसम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थ्री द स्पेशल फीचर ऑफ बाइल इज डैट बाइल का आपको स्पेशल फीचर बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन चार हैं उसमें से कौन सा बाइल के लिए अप्रोप्रिएट फीचर है पहला ऑप्शन है हमारा इट हैज़ फ्यू इन्जाइन नेक्स्ट इज इट हैज़ सॉल्ट्स ऑप्शन सी इट हैज़ वाटर और इट हैज़ अ तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी डैट इज स्पेशल फीचर है हमारा बाइल का डैट इट हैज़ वाटर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर सेल थ्योरी इज गिवन बाय सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया रॉबर्ट होक एंटन वैनल्यून हुक स्क्लेडन एंड स्वान और रॉबर्ट ब्राउन तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डैट इज स्क्लेडन एंड स्वान स्क्लेडन और स्वान के द्वारा हमारा सेल थ्योरी प्रोपोज किया गया है मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डिफिशियंट इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब वैसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए अब वैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिस टाइप ऑफ सॉइल में वो डिफिशियंट होता है मतलब उस सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है वाटर मैग्नीशियम नाइट्रोजन और कैल्शियम सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी डेट इज नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स केमिकल नेम ऑफ विटामिन एच इज विटामिन एच का केमिकल नेम बताना है आपको रेटिनोल बायोटीन एस्कॉर्बिक एसिड और टोकोफेरॉल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है विटामिन एच का केमिकल नेम है हमारा बायोटीन और इस विटामिन एच को हम लोग विटा विटामिन बी सेवन भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द सम ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एक कंप्लीट पॉपुलेशन में जो हमारा जीन्स का सम होता है वो क्या कहलाता है जीनोटाइप कैरियोटाइप, जीन पूल या लीथल जीन तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर डैट इज़ द सम ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पोल ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे फ्रेम होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एट द टर्म जीन वॉज फर्स्ट क्वाइंट बाई ये जो हमारा टर्म है डैट इज जीन ये फर्स्टली क्वाइंट किया गया था किसके द्वारा जॉनसन मेंडल लमार्क और कोवियर तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉनसन द टर्म जीन वॉज फर्स्ट क्वाइंट बाई जॉनसन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इनमें से कौन सा है ऑप्शन ए से नर्व सेल ऑस्ट्रिच एग पी पी एल ओ और स्पर्म सो द राइट आंसर वुट बी ऑप्शन नंबर सी डेट इज पी पी एल ओ हेयर पी पी एल ओ फॉर प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर टेन आपके स्क्रीन पे। नाइट्रोजन अकर्स इन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एनिमल्स में किस फॉर्म में अकर करते होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रोटीन के फॉर्म में फैट्स के फॉर्म में या मिनरल्स के फॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे एनिमल्स में ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे बॉडी में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप हैज हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नीचे दिए ऑप्शन है आपके पास ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट ग्रुप ऐसा है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि ये जितने भी हमारे प्लांट ग्रुप्स हैं डेट इज़ ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये सारे हमारे वैसे प्लांट ग्रुप्स हैं जिनके पास नेग्ड एम्प्रियज़ होते हैं जिनको कि हम लोग स्पोर्ट्स कहते हैं और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इन सारे प्लांट ग्रुप्स का ये बहुत ही ज़्यादा इनकॉन्सपीकेस होते हैं और इसलिए इनको हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं और क्रिप्टोगेम्स का मतलब ही हमारा होता है ऑर्गेनिजम्स हैविंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो इसी के साथ आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर इलेवन क्लियर हो गया होगा और अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारा कहता है द चीफ कॉन्स्टिटुएंट ऑफ गोबर गैसेज गोबर गैस का मेन कॉन्स्टिटुएंट क्या है इथेन मिथेन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेट इज मिथेन अगर हम लोग बात करें गोबर गैस की तो गोबर गैस हमारा एक मिक्सचर है मिथेन का कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मेजर कंस्ट्रेशन की अगर बात करें हम लोग गोबर गैस की तो वो है हमारा मिथेन और ये हमारा प्रोड्यूज होता है बाय द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट फॉर एग्जांपल काउडंग या हमारे जितने भी प्लांट वेस्ट हो गए वाटर के प्रेजेंस में ये हमारे डिग्रेड करते हैं एनारोबिकली और प्रोड्यूस करते हैं हमारा गोबर गैस मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन एल्गल ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम एल्गल ब्लूम होने का मेन रीज़न क्या है वॉट इज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस एल्गल ब्लूम किस वजह से हमारा ये एल्गल ब्लूम रिजल्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सेलिनेशन की वजह से

जो रेट होता है वो ग्रोथ का माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स का फॉर एग्जांपल एल्गी का ये सारे का इंक्रीज्ड ग्रोथ हो जाता है हमारे जिसके वजह से बहुत सारे डेंस मैट्स फॉर्म कर जाते हैं लार्जर फ्लोटिंग प्लांट्स के जैसे वाटर हाइसेंस के और नाइल कैबेज के और ये हमारा फॉर्म करते हैं एल्गल ब्लूम इसी को हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ सेलिवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन सेलिवरी अमाइलेज इनमें से कौन सा ऑप्शन uh, हमारा सही होगा जिसको ये ब्रेक करता है कौन सेलिवरी अमाइलेज के बारे में प्रोटीन वाटर स्टार्च और फैट्स तो सेलिवरी अमाइलेज हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकेज ऑफ स्टार्च अमाइलेस हमारा एक तरीके का इंजाइम है जो हमारा कैटेलाइज करता है या फिर हाइड्रोलाइसिस करता है हमारा स्टार्च का इनटू शुगर्स में अमाइलेज हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवा ऑफ ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में भी ये हमारा केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है उसको ये बिगिन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मूविंग टूवोर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पेडोलॉजी किस चीज़ के स्टडी को हम लोग कहते हैं एटमोसफेयर सोइल पॉल्यूटेंट्स और सीड्स तो अगर बात करेंगे हम लोग पीडोलॉजी की तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डैट इज सॉइल पीडोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल्स फॉर्मेशन सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासीफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वॉट इज हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स क्या कह जाता है क्या होता है प्लांट विदाउट सॉइल इनरीचमेंट ग्राफ्टिंग प्लांट स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स और सॉइल कंजर्वेशन इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोपोनिक्स तो हाइड्रोपोनिक्स हमारा एक तरीके से आप कह सकते ये हमारा एक सबसेट है ऑफ हाइड्रोकल्चर uh, और ये एक तरीके का हमारा मेथड है जिसमें कि हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन इन वाटर और इसमें हमारा सॉयल नहीं होता है मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दैट इज प्लांट विदाउट सॉइल इनरिचमेंट वैसे प्लांट्स का ग्रोथ कराना जिनमें कि सॉइल की जरूरत ना पड़े अदर मिनरल्स की हेल्प से हम लोग प्लांट्स को ग्रो करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ग्वाइटर इज़ कॉज बाई द डिफिसियंशी ऑफ गोइटर हमारा जो बीमारी है वो किसकी डिफिशियंशी से होता है ग्वाइटर में हमारा क्या होता है तो ग्वाइटर में हमारा जो थाइरॉयड ग्लैंड हो जाता है उसका इलार्जमेंट हो जाता है और इसका सबसे मेन जो रीज़न है कॉमन कॉज है हमारा ग्वाइटर का वो है हमारा आयोडीन डिफिशियंशी डैट इज़ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन स्फाइगमोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या लाता है स्फाइगमोमैनोमीटर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फाइगमोमैनोमीटर ये जो ब्लड प्रेशर हमारा मेजरमेंट होता है तो वो कहाँ होता है मतलब वेंस के ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं आर्ट्रीज के आइस के या साइनोवियल के तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेट इज आर्टरीज आर्टरीज में हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सार टेस्ट ऑफ कोको कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोको कोला आप लोगों ने सब लोगों ने पिया होगा इसका जो ये हमारा सार टेस्ट होता है ये कि किस चीज के प्रेजेंस के वजह से होता है वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिटिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेट इज फॉस्फोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हमारा जो कोको कोला है वो सार इन टेस्ट होता है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा किस में ह्यूमन बींग्स में मेलानिन हीमोग्लोबिन रोडोप्सिन और बिलिरोबिन सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी डैट इज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और अगर बात करेंगे मेलानिन की रोडोप्सिन की तो इससे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका है कि ये क्या है पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डैश इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनानाज राइप बनानाज में जो हमारा प्राइमरी एसिड है वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मैलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डेट इज मैलिक एसिड मैलिक एसिड इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनानाज अब अगर हम लोग मैलिक एसिड की थोड़ी सी बात करें तो ये हमारा मेन प्रिंसिपल एसिड होता है जो कि राइब बनाना में प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ हमारे सिट्रिक ऑग्जैलिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास मैलिक एसिड था इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड आपको यहाँ पे बताना है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जिससे हम लोग मेजर करेंगे लाइट की इंटेंसिटी को तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए डैट इज लूसी मीटर लूसी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच इज़ द एंटी सब्सटेंस इन ब्लड ब्लड में एंटी सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट होता है एंटी कोगुलेंट कहने का मतलब है जिस वजह से हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे फाइब्रिनोजेन, हेपारिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हेपारिन। हेपारिन जिसको कि हम लोग अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन भी कहते हैं ये हमारा एक ऐसा मेडिकेशन है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटी कोगुलेंट मूविंग towards द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन number विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थिनो कार्पिक फ्रूट पार्थिनो कार्पिक फ्रूट इनमें से कौन सा है बनाना एप्पल mulberry और स्ट्रॉबेरी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे what डू यू मीन बाय द parthenocarpic fruit फ्रूट पार्थिनो मतलब क्या होता है अगर हम लोग बात करें पार्थिनो कार्पिक की तो ये हमारे एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवल्स मतलब अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना ओवल्स के फर्टिलाइजेशन के होता है वेदर इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड जिसमें कि हमारा जो फ्रूट बनता है वो सीडलेस होता है इस टाइप के हम लोग फ्रूट को कहते हैं पार्थिनो कॉर्पिक फ्रूट तो सही आंसर है हमारा बनाना बनाना इज अ पार्थिनो कॉर्पिक फ्रूट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज द आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो कि ब्लड का सप्लाई करता है किडनी तक रीनल आर्टरी हैपाटिक आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी और कैरोटेड आर्टरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए टू द किडनी किडनी तक ले जाने वाला वेसल्स कौन सा है तो वो है हमारा रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी ब्लड वेसल हमारा सप्लाई करता है ब्लड को टू द किडनी और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है आज के इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन प्रीवियसली भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अपने डिफरेंट वीडियोज़ में आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे और ईजिली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय Take care, have a great day.